कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी के तौर पे इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में फैल रहा है और उसको रोकने के लिए बहुत तरीके की बातें चल रही है, लेकिन ये मैसेज कुछ खास है। अगर आप अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं खाने में, फेस को टच करने में, या जो इंपॉर्टेंट चीजें कर रही हैं उसके अंदर आप अगर दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं दरवाजे को खोलने में या किसी भी टच एक्टिविटी को, सामान को उठाने में या किसी काम करने को, तो ये आप अपने आप को बचा रहे हैं इससे। कहने का मतलब यह है कि आपका जो फेस वाला पार्ट है वो दाहिने हाथ से जाएगा और बाकी चीजें आप कोशिश ये कर सकते हैं कि बाएं से जाएगा। राइट हैंड इज फॉर मी, लेफ्ट हैंड इज फॉर यू। हाँ, ये मुश्किल है करना कि कब राइट कब लेफ्ट यूज करना, लेकिन देखिए अगर ये काम आप करते हैं तो आप 100% है कि अपने आप को बहुत ज्यादा बचा सकते हैं उसके रिस्क से। देखिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो चल रही हैं कोरोना के ऊपर वो तो आपको फॉलो करना ही करना है। और दिक्कत ये है कि ज्यादातर इंटरनेट के ऊपर सुविधाएं अवेलेबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ फेक न्यूज बहुत चल रहे हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि फेक न्यूज के चक्कर में आपको नहीं आना है। मैं डेटा जो है चाइना में जो चीजें हुई हैं उसके ऊपर, सीएनएन के ऊपर एक रिपोर्ट आया, उसको लेके आया हूँ, जिसके अंदर बताया जा रहा है कोविड-19 के जब से स्टार्ट हुआ हूं मैं चाइना में, उसके बाद से पता ऐसा लगा है कि 80% लोगों का माइल्ड होता है, मतलब 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, उनको कोई समस्या नहीं होती है। बात यह है कि आपको अपने आप को क्वारंटाइन करना पड़ता है या फिर आइसोलेट करके रखना पड़ता है घर के अंदर। उससे आपको फायदा यह है कि आप किसी को फैलाएंगे नहीं। 13% लोगों को सीवियर होता है और क्रिटिकल 5% लोगों को होता है। और इस क्रिटिकल के अंदर भी समस्या ये है कि जिनको पहले से कोई बीमारी है उनको ही ज्यादा समस्या हो सकती है। रिकवरी की परसेंटेज 87% है। उसके बाद अभी कुछ एक्टिव केसेस हैं चाइना के अंदर, चाइना के डाटा के ऊपर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। साथ ही साथ इसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जो डेथ परसेंटेज है वो 0 to 9 ईयर्स में 0% है, नहीं हुए हैं डेथ्स, क्योंकि उनको कम हुआ है, उनको टच नहीं करते होंगे लोग या उनको फैला नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम जो डेथ परसेंटेज है वो आपको 50 से ऊपर में मिल रहा है, मतलब कि अगर आप ओल्ड एज हो तो आपको बच के रहना है। और आपके घर में कोई भी ओल्ड एज हो है तो उसको आप कोशिश कीजिए कि आप लोग उसको आइसोलेट तरीके से रखिए, उसको घर से बाहर नहीं जाने दीजिए। साथ ही साथ आप लोग भी जब भी खाना देते हैं या कोई चीज करते हैं तो उनको हाथ धो के या अच्छे तरीके से दीजिए, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा रिस्क है। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या है सबसे बड़ी, कि घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि जब तक आपको समस्या बहुत ज्यादा नहीं है पहले से तब तक इसका असर आप पे नहीं होने वाला है। लेकिन घबराना नहीं का मतलब ये नहीं है कि आप घूमने चले जाएं, आप कहीं ट्रेवल करने चले जाएं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसके ऊपर भारत सरकार के द्वारा बहुत पैनी नजर रखी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा बताया गया कि कुछ समय पहले अभी 8 पैसेंजर्स जो कि एपी संपर्क क्रांति में थे उनको पाया गया है कि वो पॉजिटिव है कोविड-19 को। तो उसको लेके रेलवे ने बहुत सख्ती बरतते हुए बोला है कि आप लोग ट्रैवल तभी करें जो बहुत ज्यादा जरूरी हो। ट्रैवल इसलिए ना करें कि आपको जस्ट जाना था, आपकी टिकट बुक्ड थी इसलिए आपको जाना है, तो ये काम बिल्कुल मत कीजिए। अब रेलवे की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जिसके बाद आप लोगों को ये समस्या नहीं होगी कि आपका टिकट कैंसिल हो गया, ट्रेन कैंसिल हो गया तो कैसे आपके पैसे वापस मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले ये बोला गया कि अगर आपका ट्रेन कैंसिल हो जाता है 21 मार्च से लेके 15 अप्रैल के पीरियड तक, तो आपको जो रिफंड है वो 3 घंटे या 72 घंटे के अंदर आपको प्रोसेस नहीं कराना है। आप आराम से 45 दिनों तक करा सकते हैं जर्नी के डेट से। तो वो 15 अप्रैल के बीच में, मतलब आप ये डेट अब ऐड करिएगा तो आपका अप्रैल लास्ट में चला जाएगा, तब तक हो सकता है कि कोरोना वायरस का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाए और आप लोगों को समस्या से दूरी मिल जाए। तो पहला काम कि अभी भागने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि अगर कैंसिल नहीं हुआ है तो टीडीआर फॉर्म करने के लिए भी 30 दिन का समय दिया गया, जो कि अभी 3 दिन का होता था। इसके साथ साथ कुछ और नियम में बदलाव किए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं, मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और साथ ही साथ आप लोग ट्विटर पे या फिर इंडियन रेलवे के वेबसाइट के ऊपर भी जाके इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है अभी, इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को अपने हाथ को धोते रहना है। दूसरी बात, स्नीज जब भी करते हैं, कफ जब भी आता है, तो हमेशा कोशिश ये करना है कि हम लोगों को कोई टिश्यू रखना है या फिर ऐसा कुछ रखना है कि इसको थ्रो कर सकें। जो सामान टच करने का नहीं है वो है आंख, नाक और मुंह, इनको टच बिल्कुल नहीं करना है। डिस्टेंस बना के रखना है, कोशिश ये करनी है कि ट्रेवल हम ना करें। ट्रेवल नहीं करने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा जरूरी अगर आपका नहीं है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहीं का मतलब ये होता है कि आपको पार्क भी नहीं जाना है, आपको किसी दुकान पे भी नहीं जाना है, आपको बाहर टहलने भी नहीं जाना है। ये मत सोचिए बाहर घर से नहीं जाने का मतलब यह है कि आप घर के आसपास घूम सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको कहीं भी नहीं जाना है, घर में रहिए। अगर आपको समस्याएं होती हैं कुछ तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है और वहां पे आपको बताया जाएगा क्या चीजें आपको दिक्कत हो रही है, क्या परेशानियां हो रही हैं। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च किया जिसका नाम है covidout.in। लिंक मैंने नीचे दिया हो, वहां पे आपको सब कुछ अच्छे तरीके से दिख जाएगा कितने केसेस अभी
फिलहाल हुए हैं, रिफ्रेश कीजिए वहां पे, आपको मालूम चल जाएगा। साथ ही साथ उसके अंदर क्या बदलाव हुए हैं, कितने हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कितने रिकवर हो गए हैं, डेथ कितने लोगों के हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी फिलहाल काफी तेजी में केसेस बढ़ रहे हैं और दिल्ली के अंदर भी अच्छे खासे केसेस बढ़े हैं। अभी फिलहाल आज की डेट में, सिर्फ 70 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। पीछे के नंबर से देखा जाए तो पहले 30 दो दिन हुए, फिर 50, अब आज 70। अब देखिए कल जो हमारा लॉकडाउन है, मतलब कि कर्फ्यू है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सभी को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बोला गया उसको फॉलो करना है। इसका लिंक लेके आप बाकी सब चीजों को देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। लॉकडाउन के होने के बाद हो सकता है कि कुछ चीजें बदलें, तो जरा ध्यान रखिए और कल बिल्कुल जो नियम बताया गया उसको पालन कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत तरीके के जो अफवाहें वो फैल रहे हैं, तो अफवाहों पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। कोई आपको कुछ दवाई बोलता है कि ये मत लो, या ये दवाई मत खाओ, ये दवाई खा लो तो बच जाओगे, या फिर ये पानी पी लो, वो चीज कर लो, तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है अभी, जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलता है कोई, या फिर आपको WHO या फिर ऐसे जगह से आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले जो कि एकदम 100% सही है। अफवाह से बचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अफवाह ऐसा चल रहा है कि आपको पैरासीटामोल वगैरह नहीं लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइब्रूफिन और पैरासीटामोल के बारे में खबरें चल रही हैं, और हो सकता है कि ज्यादातर खबरें गलत चल रही हैं। उनके बारे में बोला जा रहा है कि ये इंक्रीज करता है, अगर आप कभी भी मतलब कि इसको ले लेते हो, कोरोना वायरस होता है तो। बीबी के वाइंस में भी उन्होंने वीडियो बनाई है, उसके अंदर भी ये बात उन्होंने बोल दी है। लेकिन मेरे हिसाब से, मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया और पाया ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ट्वीट करके बोला गया है कि अभी ऐसा कोई भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि ऐसा WHO रिकमेंड करे कि आपको नहीं लेना चाहिए आइब्रोफिन। तो आप लोग अगर ले रहे हैं किसी कारणवश तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैरासीटामोल नॉर्मल तरीके से अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपको बुखार या कोई भी समस्या हो रही है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंटरनेट के ऊपर ज्यादा विश्वास मत कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अपने आप को घर में बंद रखें और अपने आप को घर से बाहर ना निकले। पैनिक बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है, सामान को बिल्कुल भरना नहीं है घर के अंदर कि अब ये लास्ट टाइम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज अवेलेबल मिल रहेगा मार्केट के अंदर। थोड़ा टफ टाइम है, हम लोगों को साथ आके और जो चीजें बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, सुनते हुए पूरा पालन करना है, और कोशिश करनी है कि इस महामारी से हम बाहर निकलें और देश को फिर से उसी गति से आगे बढ़ाएं जैसे पहले चल रहा था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए। कृपया करके 5 लोगों को एटलीस्ट शेयर कर दीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन सब तक फैले, और पैनिक क्रिएट ना करें। आराम से घर में बैठ के खाइए, आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गरीब लोगों को समस्याएं हो रही है, उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है, प्रोग्राम निकाल के लेके आएगी और आप लोगों को समस्याएं से दूर करेगी। तो गवर्नमेंट के नियमों को मानिए, 5 लोगों तक इस बात को शेयर कीजिए, और कभी भी किसी से ऐसी बातें मत कीजिए जिससे पैनिक क्रिएट हो, और कोशिश ये कीजिए कि हमेशा सही इंफॉर्मेशन दीजिए। मैंने इतनी बातें बताई, इसमें अगर कुछ आपको गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया है तो प्लीज मुझे जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और tekniki@gmail.com के ऊपर मेल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि मैं बोलने के फ्लो में ऐसा कुछ ना बोल जाऊं जो कि गलत हो। तो प्लीज इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और शेयर जरूर कीजिए।